जी हाँ, एक से बाबू उठता ये भाई जो मैं क्या कर रहा है, मतलब उसको बुलाया देख। राम जी वाला जे गनवा ना कर रहे, हनुमान जी वाला निमन से गाओ, निमन से गाओ तो कोनो देखिए बहुत अच्छा गाना गाते। देखिए गाने वाले लीजिए, मतलब यही बात है कि लोग मतलब जब भी कोई गाना गाता है तो कि चूल्हे में आग लग गई कि सारा लहंगे में बाढ़ आ गई। चल चल निकल स्टूडियो में, तुम लोग नहीं करने आए हैं। चल 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 निकल, काम होता है। नहीं 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 तो आज हम सिंगर लोग से कुछ इंटरव्यू लेने वाले हैं कि कैसे कैसे काम होता है, सब लोग क्या क्या गाता है, उसी के लगकर देखते कि इस स्टूडियो में मतलब किस प्रकार के काम होता है। बहुत फेमस स्टूडियो है, तो चले हम लेकर आते हैं। बात करेगा तो जैसे देख लीजिए, अभी हम क्या बता रहे हैं, बोलिए कौन है राइटर जी? आप राइटर देख लीजिए, ये सिंगर है, नीचे इनमें सबको दिखाएं। और आप बताइए आप कौन है? हम अभी माँ गायत्री सीरीज को चला रहे हैं। अच्छा, देखिए माँ गायत्री सीरीज को मतलब मैनेजर जो मैनेजमेंट जो करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम शशांक शर्मा। अच्छा, इनका नाम शशांक शर्मा है। अगर मतलब आप अगर इस कंपनी में अगर गाना गाना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। रियलिटी है, हाँ ये रियलिटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा मतलब आपको मुकाम चाहिए अच्छा, तो इसमें आप जरूर एक बार आइए, आए और सेवा का मौका जरूर दें। तो देखते हैं आगे क्या काम हो रहा है, बढ़ते रहें। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ, थोड़ा कैमरा पीछे करके कैमरा मैन से दिखाइए। तो जैसे देख लीजिए इधर इधर थोड़ा ऊपर करके दिखाए, पैसे दिखा रहे हैं आगे जाकर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श। तो जी आप आदर्श जी हैं, उधर स्टूडियो दिखाए तो जरा सा उधर ये सब, हाँ ऐसा देखा इधर घुमाइए। तो जैसे आदर्श जी आप क्या क्या काम करते हैं? म्यूजिक तो जैसे देख लीजिए आदर्श जी बता रहे हैं कि जो नए सिंगर होते हैं उनको बहुत अच्छा से समझाते होते हैं। आप मान लीजिए उस सारा नहीं समझता होगा तो उसको क्या करते होंगे? गान मारते हैं। देखिए दोस्तों कुछ सिंगर होते हैं सर गान मार के रख देता है भाई, उसको कितना भी समझाया लेकिन कुछ समझ नहीं। माफी चाहते हैं। देख लीजिए तो ये बात है कि अब मतलब आप कितना पता बताइए ताकि मतलब उठ के बात कीजिए थोड़ा गुजारी करते आइए। जैसे मान ली बताइए दर्शकों की आप मतलब कैसे यहाँ पे आएंगे, कितना फीस आना है? देखिए कैसे आना है वो तो अब आपको डिपेंड करता है, साइकिल से आ रहे हैं कि पैदल आ रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद रिकॉर्डिंग होता है, नया सिंगर चाहे पुराना सिंगर है, पुरानका ट्रैक पर तो 1,000 रुपया लगता है, 100 स्टूडियो में लगता है वही हिसाब से है। 1,500 रुपया लेते हैं जो मेलोडी होता है, 3,000 में वो नायका बिल्कुल ट्रैक बनता है। तो जैसे कि आप लोग सुने हैं कि भैया कह रहे हैं कि 3,000 में नायका ट्रैक मतलब अच्छा रहता है कि वो वहीं चुप, नहीं मतलब आप पूरा मत मानिए, बोले बात करने का सीख लीजिए ना तो धक्का मार के भगा देंगे स्टूडियो से। ओके ओके भैया हम माफी चाहते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए आप गुस्सा ही नहीं, देखो क्या होता है कि हमको आदत है, जैसे देख लीजिए अगर गाना अगर अच्छा गाते तो यहाँ पे जरूर एक बार आए, ठीक है। तो जैसे कि देख लीजिए उधर रिकॉर्डिंग का काम चलता है ना? जी जी रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे से हम बताते हैं, वहाँ सिंगर अंदर शीशा के अंदर से रिकॉर्ड होता है, उसमें सिंगर लोग जाके गाना गाते हैं। अच्छा उसमें गाना गाते, कोई सिंगर उंगर है? जी हाँ एक से बाबू उठता ये भाई जो मैं क्या कर रहा है, मतलब उसको बुलाया देख, ठीक है इधर आइए तो आपसे भी हम इंटरव्यू लेना। ये अच्छा गाते हैं? हाँ बहुत अच्छा लड़का गाता है, एकदम भक्ति गाना गाता है। अच्छा भक्ति गाना गाता है, वाह देखिए मुझे ऐसा ही सिंगर के तलाश था, आजकल मतलब ऐसा सिंगर मिलता नहीं है, अच्छा गाते हैं? हाँ बहुत बाबू
गोता तक का गाना है गाना गाओ तो तनका राम जी वाला जे गानवा ना गले रे हनुमान जी वाला निमन से गाओ निमन से गाओ तो कोनो तनका गाओ तो देखिए बहुत अच्छा गाना गाते देखिए गाने वाला बन चुका है आवाज का स्टार्ट कस के चिल्ला के अरे गाइए तो बंद करो इधर बाहर निकलो इधर आ थोड़ा मैं आपसे पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं ये था तो जैसे कि अभी हम इनसे गाना सुनने वाले अभी स्टूडियो में ये गा रहे थे मतलब आप गाना उना लिखते हैं कि हम गाना उना गाते हैं लिखते नहीं हैं लिख लेते भी थोड़ा आध्यात्मिक गाते हैं एकदम मतलब अच्छा अच्छा गाना गाते हैं देखिए अश्लील नहीं रहता है अच्छा देखिए इनसे आप लोग सीखिए हम ये कहना चाहते हैं अश्लील आप बिल्कुल नहीं गाते हैं नहीं बिल्कुल अश्लील का विरोध है एकदम विरोध है भाई देखिए हम भी अश्लील गाते हैं अच्छा देखिए हम भी अश्लील का बहुत विरोध है अभी है हाँ अश्लील नहीं होना चाहिए ठीक है देखिए देखिए जैसे भैया जी भी बोल रहे हैं कि अश्लील के एकदम भैया विरोध मतलब एकदम खड़े हैं हाँ अश्लील से हम बिल्कुल नफरत करते हैं ठीक है तो जैसे देख लीजिए भैया जी बोल रहे तो आप अश्लील नहीं गाते हैं ना नहीं गाते हैं ठीक है तो आप गाना मतलब अच्छा अच्छा गाते हैं तो मुझे ये करना है कि मुझे आपसे कुछ मतलब अब जो पब्लिक देख रहा है ये आप हाँ? अच्छा गाते हैं तो सुनना जरूर चाहे कि आखिर ये गाता कैसा है पब्लिक है क्योंकि आप जो बोले हैं ना पब्लिक का मतलब मन होगा मतलब तो मान लीजिए पब्लिक का मतलब मन होगा कि भाई आपसे कुछ गाना उना सुने हाँ? आप इतना अच्छा गाते हैं गाते हैं ना हाँ? आपका कोई गाना हिट उट हुआ है कि ना भाई जो हिट हुआ है बहुत हुआ है बहुत हुआ है हाँ दो चार गाना का नाम बताइए गाना है चोली चालीसा देखिए सही बात आप चोली चालीसा यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए इन्हीं का गाना है ठीक है तो जैसे आप मुझे गाना सुनाए चलिए तब गाना सुनाइए पब्लिक लोग देखते रहिए oh, no. गाना सुनाइए जब तोहरा के देली हम दिल सुन रहा है ना हाँ सुन रहा है बिल्कुल सुन रहा है जब हम तोहरा के देली दिल सुन रहा है ना महाराज सुन रहे मेरे बाबू गाओ ना यार तोरा से इतना प्यार कैली हम सुन रहे देख रहे हैं देख कितना अच्छा गाना हाँ सुन रहे सुन गाइए हम तोरा से इतना प्यार कैली हम चलो रे तोरा से ठीक है आगे हम जा रहे हैं सॉरी मतलब देखिए मतलब एक ही को बात के बार बार ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा देखते हैं हाँ ठीक है तन को चोली उली ना मिलल ना साया मिलल ना कुछ मिलल ना प्यार मिलल तन को चोली उली देखबो ना कैली हम भौजी तोहरा से जब दिल लगैली तो मिलल तू ससुरारी में आ कहाँ गायब हो गलू हमरा पता नहीं खे तंगा धरिए तंगा धरिए नहीं इसका हम स्वागत करते इधर आता तंगा तक इधर आइए चोली साया तो नहीं कर रहे चोली में कथी कर रहे हैं भाई चो जब भी गाना कोई मतलब हम बता रहे दर्शकों मतलब यही बात है कि लोग मतलब जब भी कोई गाना गाता है तो कि चोलिए में आग लग गए चोली में दूगो कूद कर अरे चलो ये सब कौन गाना है बताओ तो भाई चो ये देखिए हम इनको समझा रहे हैं लैंग्वेज तक संहार के बात कीजिए स्टूडियो है बहन चो साला बहन चो ये क्या है अश्लील के खिलाफ बोल रहा है बहन चो साला बहन चो ये कौन रिपोर्टर का ये बात हुआ है देखिए हुआ क्या होता है कि सब दिन से मेरा ये मतलब लैंग्वेज है कि जब भी हम कोई ऐसा अश्लीलता को देखते हैं ना बहन चो के सॉरी सॉरी देखिए बोला जाता है लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता तंका माइक अब धरिए भाई जो कहीं कह रहा हूं चल चल निकल स्टूडियो में तुम लोग ना करने करने आए हैं चल चलो चल निकल काम होता है नहीं तंका निकल नहीं नहीं मैं काट के रिपोर्टर रिपोर्टर करता है रिपोर्टर काम आते हैं थोड़ा जैसा रिपोर्टर के भागो देखिए 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 इसीलिए इसीलिए क्या करता है मतलब आप मतलब अश्लील के विरुद्ध जाइएगा तो सब ऐसे ही काम फाता है सर इतना हम गा रहे थे देख लेंगे क्या कर रहा था देख लेंगे गलत बता देंगे हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन भाई इतना से गाते थे चला के घुस गया इसे हैं तो जैसे कि आप लोग देखे हैं